तो गाइस कल हमने इसके इंजन को पूरी तरीके से डिसमेंटल किया और इंजन को निकालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो माउंटिंग है वो बिल्कुल जैसे हमने काइनेटिक नोवा या फिर महिंद्रा की जो गाड़ी थी उसके जैसी माउंटिंग है। बिल्कुल बीचों बीच में इसकी माउंटिंग दी हुई है। अगर हम इसकी एग्जिस्टिंग माउंटिंग के साथ में इसकी स्विंग आर्म को बनवाएंगे तो बैटरी का जो स्पेस है वो पूरी तरह ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने ये सोचा कि जैसे हमने काइनेटिक नोवा या महिंद्रा ड्यूरो में हमने स्विंग आर्म को स्टैंड के पास यहाँ वेल्ड किया था पहले, वैसे ही हम इसमें भी करने वाले हैं ताकि जो बैटरी स्पेस है यहाँ से लेके ऊपर तक का बैटरी इसमें आसानी से आ जाए। ऐसा करने पर जो स्पेस है उसको हम ऑप्टिमाइज़ यूज़ कर पाएंगे। तो ऐसी कुछ स्विंग आर्म हमको मिली भी है श्रेया नेवीज से। और तो सबसे पहले आइए देखते हैं स्विंग आर्म इसमें किस तरीके से लगेगी और फिर इसमें हम मोटर को इंस्टॉल करेंगे। जो इसके बचे हुए मटेरियल है, मटेरियल क्योंकि हम अपनी ऑलमोस्ट सभी वीडियो में आपको मटेरियल बताते भी हैं और दिखाते भी हैं, तो कॉमन सी चीज़ है, अब इतना बार हम लोग कन्वर्जन कर चुके हैं। तो अब अगर आपको मटेरियल की वीडियो अलग से देखनी हो जो पिन वीडियोस हैं उसमें आप जाके मटेरियल की डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए इसके स्विंग आर्म को फिट करते हैं। तो गाइस यहाँ पर अभी हमने जो हमारी सेकंड माउंटिंग है इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से बना दिया है और दोनों हमने सस्पेंशन भी इसमें कस दिए। यहाँ पर अगर साइड से देखने की कोशिश करें तो दोनों की जो लेंथ है वो भी लगभग बराबर ही है। अब आइए जो स्विंग आर्म है इसको सस्पेंशन में लगा लेते हैं और आगे का जो डिस्टेंस है वो कैलकुलेट करके वेल्ड करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने इसका महिंद्रा रूडियो की जो बैटरी ट्रे है उसको फ़िलहाल कुछ इस तरीके से चार बैटरियों का जो पैक रखने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर कर ली है। स्विंग आर्म को इस गाड़ी में कुछ अलग तरीके से हम लोग जोड़ने वाले हैं। बैटरी ट्रे का जो एंगल है वो हमने 35 3 का, जिसको बोलते हैं 3 35 3 में mm मोटा और 35 mm चौड़ा एंगल लिया है और बैटरी को यहाँ से एडजस्ट कर लिया है, मिला लिया है। अब चार बैटरियाँ यहाँ पे आ जाएंगी। इसकी जो अलाइनमेंट है वो भी हम फिक्स कर लेंगे और इसको अभी यहाँ पर हम लोग वेल्ड से कच्चा टाका मारते हैं इसमें और फिर इसको अलाइन करेंगे ताकि एक जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पे आ जाए। और साथ ही साथ जो इसका बूट है, क्योंकि हमने सेकंड माउंटिंग जो लगाई है उसकी वजह से लगभग इतना हिस्सा इसका ये कटेगा, तो इसको भी काट लेते हैं ताकि बूट आसानी से इसमें बैठ सके। आप देख सकते हैं कि हमने स्विंग आर्म को फिट कर लिया है और टायर का अलाइनमेंट बिल्कुल एक्यूरेट है। अब यहाँ की अगर बात करें तो इसकी स्विंग आर्म जो है इस बार हमने कुछ अलग तरीके से, बेसिकली ये जो स्विंग आर्म है ये बजाज स्प्रिट की स्विंग आर्म हमने यूज़ की है और इसको हमने इसके कंपैरेटिवली काफ़ी मोटे एंगल की ये जो बैटरी ट्रे बनाई थी उस बैटरी ट्रे के साथ में यहाँ पे ब्रैकेट के थ्रू जोड़ दिया है। काफ़ी मजबूत और बढ़िया काम हुआ है अभी तक, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें अंदर से फीलिंग आती है कि काम अभी तक का सबसे अच्छा काम मुझे महसूस हो रहा है। काफ़ी मजबूती से करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पर भी हमने एंगल को वेल्ड किया है यहाँ पर भी, और ये जो पहले से एक्चुअली जो फाउंडेशन बुश थे उस गाड़ी के यहाँ पर थे, बड़ी और जगह है ये, तो इस जगह पे हमने केवल सपोर्ट के लिए ये पट्टियाँ ले ली है और बाकी दो सपोर्ट है यहाँ पे। और अब ये जो स्टैंड है, स्टैंड की जो स्टैंड स्टॉपर हम लोग लगा रहे हैं यहाँ पे, तो स्टैंड स्टॉपर के लिए हम एक लंबी स्ट्रिप लेने वाले हैं कुछ इस टाइप की और इसको हम यूँ वेल्ड करेंगे ताकि ये इस पर रुक जाए। तो आइए वाला काम भी कर लेते हैं और फिर एक टेम्प्रेरी बैटरी डाल के इसकी मोटर को घुमा के देखेंगे। तो इस महिंद्रा रूडियो के ईवी कन्वर्जन में अभी तक हमने कल जो जो भी काम किया था उन सबको पेंट हमने कर दिया है। इसके बाद में अब बैटरी को लगाने के लिए हम ये जो प्लास्टिक है इसको लगा रहे हैं ताकि ये जो पीवीसी उसकी वजह से यहाँ पर, क्योंकि इसका इसमें जो फेंडर है उसके साथ साथ अलग से कोई मडगार्ड नहीं दिया हुआ है, इसलिए बैटरी को बचाने के लिए और बाकी सिस्टम को बचाने के लिए हम बैटरी के नीचे से ही इस प्लास्टिक पैनल को लेके यहाँ पर इससे माउंट कर देंगे। तो यहाँ पर चार बैटरियाँ हमारी लग जाएंगी,
साथ ही साथ हमने ये फ्रंट पैनल इंडिकेटर वगैरह इन सब को चेक कर लिया है, और अभी फ़िलहाल हम थ्रॉटल को भी हमने इसमें लगा दिया है। इसमें 3 स्पीड वाला थ्रॉटल हम यूज़ कर रहे हैं, ये 3 स्पीड वाला थ्रॉटल है, और रिवर्स के लिए हम इस बटन का यूज़ करने वाले हैं। तो आइए अब बैटरियों को रख देते हैं और फिर कंट्रोलर से कनेक्शन करके उसको एक बार स्टैंड पे ही चला के देखेंगे। तो वैसे इसकी चारों बैटरी हमने लाइन से लगा दी है, और बैटरी के साथ ही साथ हमने कंट्रोलर को इस जगह पे फिक्स किया है, ताकि इन केस कभी पंचर होती है गाड़ी तो आसानी से इसके वायर कंट्रोलर के यहाँ से निकाले जा सकें। और कंट्रोलर को थोड़ा सा हवा में रखना भी ज़रूरी है, ताकि वो ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो। तो इस हिसाब से हमने इसका यूज़ इस कंट्रोलर को यहाँ पे लगाया है। इसके अलावा अभी हम इसके जो इग्निशन वायर है उसको चेक कर रहे हैं। चाबी इसकी आवाज़ से तो बढ़िया लग रही है कि अभी चालू है, बाकी हम बज़र से इसका जो चाबी है उसको चेक करेंगे कि चाबी ठीक से काम कर रही है नहीं। एक इसमें बीच वाले में और एक इसमें, ठीक है, शॉर्टिंग की लाइट आ रही है। हाँ, ये रेड वाली लाइट शॉर्टिंग की होती है। अब मैं एक बार बंद करता हूँ इसको, लगा के रखना, ठीक है। तो हमारी चाबी ऑन है, और हमें इन दोनों वायरों से कनेक्शन लेना है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि एक मोटा वाला ब्लैक और एक मोटा वाला रेड, ये बीच वाला और ये वाला। इसी तरीके से इसका जो दूसरा सॉकेट है उसमें से बाकी सारे कनेक्शन हम निकाल देते हैं, केवल ये दो रखेंगे। तो इस महिंद्रा रोडियो के ईवी कन्वर्जन में फाइनली जो मोटर है वो हमने चालू कर ली है, बट अभी थोड़ा सा मोटर का परफॉर्मेंस अप टू द लेवल नहीं दिख रहा है। अभी जैसे हमने इसको चला के देखा था तो शुरुआत में एक हल्का सा झटका ले रही है, तो कंट्रोलर हमने चेंज किया, उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब मोटर जो है, मोटर का इशू हो सकता है। ईवी कन्वर्जन में अभी तक हमने आज का काम देखिए, यहाँ पर जो चार्जिंग सॉकेट है ये यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया है। चार्जिंग के बाद में जो बैटरी वगैरह वो तो हमने आपको दिखाई दी थी, लग गई थी सारी, केवल मुझे चार्जर का अपग्रेड करना था कि चार्जिंग सॉकेट हमने यहाँ पर इस तरीके से इंस्टॉल किया है। पुराने ही क्योंकि प्लास्टिक का ढक्कन था, उसको घिस के ये जो चार्जिंग सॉकेट होता है हमारा उसको लगा दिया है। तो काफ़ी डिसेंट दिख रहा है, तब बहुत ज़्यादा बुरा और अच्छा भी नहीं। अब उसके बाद में एक ज़रूरी चीज़ आती है, बैटरी मॉनिटरिंग सिस्टम, जिससे कि हम ये देख सकें कि बैटरी कितना परसेंटेज है। बेसिकली ये डिस्प्ले चालू नहीं है, अगर ये चालू होता तो हम ज़रूर इसके ऊपर काम करते, LCD के ऊपर काम करते, पर क्योंकि ये इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये जंग दिख रही होगी, तो इस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ था, मतलब इसके मीटर में, तो इस कारण से ये अब इसको रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये सोचा है कि इसको एज इट इज़ रखेंगे, ये वाला हिस्सा भी यहाँ लग जाएगा, और यहाँ पर हम अलग से ये एक बैटरी लेवल इंडिकेटर है जिसकी कीमत लगभग 850 रुपये है एज ऑन। और पहले हमने LCD सोचा था, पर वो उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो अभी फ़िलहाल हम ये जो एक रेगुलर मीटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इस मीटर को हम इसमें लगाएंगे। कुछ इस तरीके का ये मीटर है, आप देख सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें एक साथ शो होती हैं। सबसे पहले तो ये 4-in-1 मीटर है, आप इसमें 24 वोल्ट, 36 वोल्ट, 48 वोल्ट, 60 वोल्ट ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको बैटरी के जो बार्स हैं वो तो दिखते ही दिखते हैं, 10% का एक बार है, साथ ही साथ आपको वोल्टेज भी दिखता है। इसको हम कुछ इस तरीके से लगाने वाले हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिट के साथ में इसी बीच वाले हिस्से में फ़िट हो रहा है, हालांकि मैं अभी उल्टा दिखा रहा हूँ, ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करने वाले हैं। तो आइए इसका जो कवर है इसको काट लेते हैं, बस ये है कि थोड़ा सा इसको पानी से हमें बचाना होगा, तो ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो पहले हम सोच रहे थे कि इसको अंदर से लगाएं, लेकिन अंदर से लगाने से ये प्रॉब्लम ये होती है कि चूँकि ये एक बंद बॉक्स होता है, और जब भी धूप में खड़े करते हैं गाड़ी को, अंदर का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमेशा ये जो पॉलिथीन है ये
श्रिंक हो जाती है। देखते हैं कि अगर ये अंदर से लग सकता है तो अंदर से लगाएंगे, अदरवाइज़ बाहर से इसको कट करके लगाने की कोशिश करें। तो इस कुछ देर के काम के बाद में और सजेशन विचार विमर्श के बाद में फाइनली हमने जो अपर ग्लास था उसको नहीं काटा है। उसका कारण ये है कि इंस्ट्रक्शन जैसे हम किसी भी कस्टमर को चाहे जितनी भी देते हैं पर यूजुअली अनविलिंगली मिस्टेक्स हो जाती हैं, और उस मिस्टेक्स में ये भी होता है कि अगर प्रेशर वाले पानी से इस मीटर को धुलवा दिया जाता तो ये अंदर जो मीटर है ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है, उसमें पानी जाता और वो ख़राब हो जाता। इस केस में अगर कस्टमर गाड़ी को धुलवाते भी हैं तो पानी जाने की संभावना बहुत कम होगी। अब रही बात सूरज की गर्मी से इसके अंदर वाले ग्लास के श्रिंक होने की, तो वो एक बार एडवाइजेबल है कि भाई वो कस्टमर को बोल दिया जाए कि इस चीज़ का ध्यान रखें। तो कुल मिला के हमारा जो मीटर है वो लग चुका है। अब आइए इस मीटर को गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगा देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है।